Hello guys, welcome to the new video of the color pencil tutorial series, and in this video I'm gonna teach you how you can create the realistic skin on this part with the DOMS color pencils. And for that purpose I'm gonna use these shades. First is the white color, second is the light flesh, third is the orange brown shade, fourth yellow brown shade, fifth and sixth is the light pink and the dark pink color, seventh is the gray color, eighth is the red color, ninth is the black color, and tenth is the Apsara glass marking pencil. Now let's get started. So सबसे पहला काम ये है कि इसके ऊपर लाइट फ्लैश कलर के साथ अच्छे से एक लेयर क्रिएट करनी है, और ध्यान रखना कि इसके स्ट्रोक्स बिल्कुल क्लोज रहें एक दूसरे के साथ और पेंसिल हमारी शार्प रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट ए बेस लेयर विद द लाइट फ्लैश कलर, एंड प्लीज मेक श्योर योर पेंसिल शुड बी शार्प इनफ टू क्रिएट द फाइन लाइंस ऑन द सर्फेस, एंड ईच स्ट्रोक शुड बी क्लोज टू ईच अदर, देयर शुडंट बी एनी गैप। पहली लेयर क्रिएट करने के बाद अब आप इसके ऊपर येलो ब्राउन कलर शेड कर सकते हो इसके पूरे सर्फेस के ऊपर। आफ्टर क्रिएटिंग द फर्स्ट लेयर नाउ यू कैन क्रिएट द सेकंड लेयर विद the yellow brown shade, and it should be created in the same way as you did earlier. अभी आप थर्ड लेयर क्रिएट कर सकते हो विद दी लाइट पिंक कलर, और ये आपने सिर्फ उन्हीं एरियाज के ऊपर फिल करनी है जिन एरियाज के ऊपर आपको हल्की सी रेडिश टोन दिखाई दे रही है। लाइट पिंक कलर के बाद हम रेडिश टोन भी उन एरियाज के ऊपर यूज करेंगे, और बहुत हल्की सी यूज करनी है, ज्यादा हमने प्रोमिनेंट नहीं यूज करनी। नाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग द थर्ड लेयर विद दी लाइट पिंक एंड दी रेड कलर, बट वी विल नॉट यूज इट ऑन दी होल सर्फेस, वी विल यूज इट ओनली ऑन दोज सर्फेसेस व्हिच शोज एज दी रेडिश और दी पिंक टोन। इसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करने के बाद अभी हमारा सरफेस रेडी है ब्लेंडिंग के लिए। आफ्टर क्रिएटिंग द मल्टीपल लेयर्स नाउ आवर सरफेस इज रेडी फॉर द ब्लेंडिंग पार्ट, और ब्लेंडिंग हम इसके ऊपर इस तरीके से करेंगे कि इसके ऊपर मैं एक तो लाइट फ्लैश कलर यूज करूंगा, दूसरा इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर यूज करूंगा व्हिच कुड बी द अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल, एंड थर्ड कलर विल बी द रिस्पेक्टिव कलर ऑफ द सरफेस। जैसे कि सरफेस के ऊपर मैंने पिंक कलर यूज किया है, तो मैं ये भी कलर भी यूज करूंगा साथ में जब इसको ब्लेंड करना होगा। फॉर द ब्लेंडिंग पर्पस आई विल यूज द लाइट फ्लैश कलर, सेकंड इज द अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल, एंड थर्ड इज द रिस्पेक्टिव कलर व्हिच यू कैन सी ऑन द सर्फेस। इसकी लेयर्स को ब्लेंड करने का एक और तरीका ये भी है कि आप पेंसिल को राउंड मोशन में यूज कीजिए, और ये बिल्कुल ऐसा है कि आप इसके ऊपर जो पहली लेयर्स बनाई हुई हैं आप उसको स्मज कर रहे हो, उसके ऊपर जो पार्टिकल्स आपने लेयर किए हैं वो आप स्मज कर रहे हो विद द पेंसिल टिप। दिस वन मोर वे टू ब्लेंड द कलर पेंसिल्स, यू कैन यूज द पेंसिल इन द रोलिंग मोशन ऑन द लेयर्ड सर्फेस, एंड इट विल बी लाइक यू आर स्मजिंग द लेयर्ड पार्टिकल्स विद द पेंसिल टिप। दिस वे यू कैन इजीली ब्लेंड द कलर पेंसिल्स, बट यू शुड बी पेशेंट विद दैट, डोंट बी इन हरी, अदरवाइज you will ruin it. अब इतना इसके ऊपर ब्लेंडिंग करने के बाद अब कुछ स्पॉट्स ऐसे रह गए हैं जहाँ पर अभी ब्लेंडिंग होना बाकी है, जैसे कि ये वाले स्पॉट्स अभी बाकी हैं, और कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जिनको ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि ब्लेंड किया जा सकता है लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो उसको ब्लेंड करने के लिए हम वैसलीन जेली यूज करेंगे इसकी एयरबड के टिप के ऊपर हल्की सी लगाकर। और वैसलीन जेली आपने सिर्फ हल्की सी यूज करनी है, आपने उसको लगाकर पूरे होल सर्फेस के ऊपर यूज नहीं करना। ऐसा करोगे तो पूरे सर्फेस के ऊपर आपको लेयर ब्लेंडेड तो लगेगी लेकिन आप उसके बाद पेंसिल को ज्यादा अच्छे से उसके ऊपर नहीं यूज कर पाओगे, और थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। एट दिस स्टेज वी हैव सम स्पॉट्स व्हिच आर्नट ब्लेंडेड, सो टू ब्लेंड दोस स्पॉट्स वी कैन यूज द वैसलीन जेली विद द ईयरबड। वी नॉट गोना डिप द होल टिप इनटू द वैसलीन जेली, वी विल जस्ट अप्लाई इट ओवर द टिप ऑफ द ईयरबड एंड स्टार्ट स्मजिंग ऑन द स्पॉट्स व्हिच यू वांट टू ब्लेंड इट, एंड आई एम नॉट गोना यूज इट ओवर द होल सर्फेस, ओनली दोस स्पॉट्स विल बी अप्लाइड विद द वैसलीन जेली व्हिच आर डिफिकल्ट टू ब्लेंड। इफ यू यूज द वैसलीन जेली इन द एक्सेसिव अमाउंट देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्लाई द नेक्स्ट layer on the surface because the surface will become more slippery for the pencil, and after applying the vaseline jelly you can use the Apsara glass marking pencil over the surface to make it more smoother.
तो फाइनली ट्यूटोरियल यहीं पर कंप्लीट होता है एंड आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। अगर आपके इस ट्यूटोरियल से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है देन प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इसी तरह की बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज इस चैनल के ऊपर आते रहेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे बनाए गए ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं और आप इससे भी ज्यादा डिटेल और डेप्थ में सीखना चाहते हैं हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हुए और आपका ड्रीम है कि आप इस लेवल तक की ड्राइंग बनाना सीखो तो मेरा ट्रू रियलिज्म वाला कोर्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।